नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस फिल्म को लेकर आप सभी का बेसब्री से इंतजार था, उस फिल्म का नाम संघर्ष 2 है, जिसको खेसारी लाल यादव ने किया है। खेसारी लाल यादव के साथ इस फिल्म में मेघा श्री नजर आने वाली हैं और माही श्रीवास्तव के अलावा विनीत विशाल भी नजर आने वाले हैं। यानी कि ये जो फिल्म होने वाली है वो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का टीजर जो है वो रिलीज किया गया है और टीजर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। कल मैंने आपको रिव्यू दिया था और रिव्यू में बताया था कि खेसारी लाल यादव की ये फिल्म जो है वो बहुत कुछ बयां करती है। पहली चीज ये बयां करती है कि भोजपुरी सिनेमा में कुछ इस तरीके का एक नया प्रयास किया गया है, जिससे भोजपुरी दर्शक सिनेमा घरों तक पहुंचेंगे और इस फिल्म को अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, क्योंकि ये फिल्म जो है वो आउट ऑफ कंट्री शूट की गई है। तो वहीं इस फिल्म में जो लोकेशंस, जो सीन्स और खेसारी लाल यादव के जो लुक है उस पर जबरदस्त तरीके का ध्यान दिया गया है और ये फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाले है। जिस तरीके से टीजर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो वाकई कमाल है। और अब तक कल इस टीजर पर रिलीज हुआ था और अब तक 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख से भी ज्यादा लोग इस टीजर को देख चुके हैं, जबकि 1.5 लाख के तकरीबन में लाइक्स भी मिलने वाले हैं और वहीं 32,000 से ज्यादा कमेंट्स भी मिल चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फिल्म के टीजर का तो कमाल का है, दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। बात करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार हैं और पराग पाटिल जो हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। बात करता हूं तो और भी तमाम कलाकार हैं और इस टीजर में आपको एक भी गाना सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है और भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरीके से गानों को लेकर जानी जाती है, लेकिन इस फिल्म में गाना ना होना भी अपने आप में बहुत कुछ चीजें बयां करता है। खैर, आपने भी टीजर देखा होगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।